Bismillahirrahmanirrahim. Filling Station by Elizabeth Bishop. इससे पहले कि आगे जाए, सादा सा इसकी जो पहचान है इस नज़म की वो है कि ये सेकेंड लेयर ऑफ फेमिनिज्म, ये जो शायरा है एलिजाबेथ बिशॉप, ये एक फेमिनिस्ट थी और साथ साथ एक लेस्बियन भी थी, यू नो दैट. सो यही फेमिनिज्म इसके अंदर नज़र आएगा. कोई ऐसे कमाल तो शायद नहीं है, बहरहाल इसको देख लेते हैं. ओ बट इट इज डर्टी, ओ मगर ये गंदा है. दिस लिटिल फिलिंग स्टेशन, ये छोटा फिलिंग स्टेशन, इसे मुराद जिसको हम आम अल्फाज में हमारे यहाँ पेट्रोल पम्प कहा जाता है, वो है फिलिंग स्टेशन. वहाँ अमेरिका में इसको गैसोलीन कहते हैं पेट्रोल को, और वो जो होता है गैस स्टेशन होता है या फिलिंग स्टेशन कहते हैं सदर बात में, पेट्रोल पम्प हमारी जुबान में. ऑयल सॉक्ड एंड ऑयल परमिएटेड टू अ डिस्टर्बिंग ओवरऑल ब्लैक लेंस लाइक ट्रांसलुएंसी. बी केयरफुल विद दैट मैच, बी केयरफुल दैट मैच, ये वो माचिस की तीली है, यानी कि आग ना लगने पाए. और क्या है सारा उसके मंजर का चाहिए कि वहाँ ऑयल सॉक्ड, यानी कि वो जगह जगह तेल है पड़ा हुआ, ऐसे मराद वो है ग्रीस या मोबल ऑयल, वो वाला जो गाढ़ा तेल होता है वो है, और वो ऐसा फैला हुआ है, परमिएटेड ऐसा फैला हुआ है कि उससे एक ब्लैक ट्रांसलुएंसी नज़र आती है, यानी कि वो जो ऑयल होता है इसमें एक रिफ्लेक्शन होता है. दूसरा ये थोड़ा बहुत लाइट को पास होने भी देता है, मिरर इफेक्ट भी होता है और ग्लास इफेक्ट भी होता है इसके अंदर. ऑब्वियसली क्योंकि ये रिफाइन होता है तो वो जो ओपेक जो पार्टिकल्स हैं वो एंड में कोल तार और वो जो चारकोल वगैरह की सूरत में अलग हो जाती है. तो ये क्योंकि क्लियर होता है ऑयल, गैसोलीन भी क्लियर होता है, एसिड डीजल भी क्लियर होता है, केरोसिन भी क्लियर होता है, ये क्लियर होते हैं, जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो अंदर रह जाती हैं. और ये इटसेल्फ जो है वो पानी से मिलता जुलता शेडेड ब्लैक शेड, वो ग्लास और मिरर दोनों इफेक्ट थोड़े बहुत नज़र आते हैं. फादर वेयर्स अ डर्टी ऑयल सॉक्ड मंकी सूट दैट कट्स हिम अंडर द आर्म्स. बाप जो है वो उसने एक गंदा तेल से भरा हुआ एक मंकी सूट पहना हुआ है जो कि बाजू के नीचे से कटा हुआ है, यानी वो जो कपड़े हैं वो पूरी हालत में है. मंकी सूट सदर अल्फाज में जो है फॉर्मल सूट को कहा जाता था, लेकिन इंसान इमेजिन कर सकता है कि जैसे कि शायद ये जो उस दौर में वो जो एक स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म पहना जाता था फिलिंग स्टेशन पे वो है, ऐसे जो उस तरह से नहीं है फॉर्मल सूट, वो जो जिसको टू कहा जाता है कि वो फॉर्मल सेटिंग में पहना जाता है. तो आगे and several quick and savvy and greasy sons assist him. It's a family filling station, all quite thoroughly dirty. और इसके अलावा बहुत सारे चुस्त और गंदे मंदे बेटे उसकी मदद करते हैं. ये एक खानदानी पेट्रोल पम्प है, यानी कि वो फैमिली रन जिसे कहते हैं खानदानी, वो चलाते हैं. डू दे लिव इन द स्टेशन, क्या वो इसी स्टेशन में ही रहते हैं, यानी उसके पीछे ही घर है साथ में कोई घर है. इट हैज़ अ सीमेंटेड पोर्च, पोर्च ये वो जो घर का अगला हिस्सा होता है, थोड़ा सा वो एलिवेटेड करके होता है पोर्च, उसके पानी वगैरह ना घुसा है या कोई और मसला ना हो, वो कहा कि पोर्च बना होता है, उस पर वन वो पौधे भी लगाए जाते हैं उस पोर्च पे. तो ये वो हिस्सा है. Behind the pumps and out it a set of crushed and grease impregnated wicker work on a wicker sofa, a dirty dog quite comfy. अभी बाकी सारा मंजर है कि क्या है जी पंप के पीछे वो पोर्च उसने जो पहले मैंने बात की है, और वहाँ क्या है जी टूटे हुए और ग्रीस इम्प्रेगनेटेड, यानी कि ग्रीस उनमें धंसा हुआ है, उनमें अच्छी तरह घुसा हुआ है. विकर वर्क, विकर दिया टाली होता है जिससे फर्नीचर बनता है, तो वो उसी फर्नीचर की बात हो रही है. उमन वो जो घर के बाहर जो कुर्सियाँ रखी होती हैं, बाग में कुर्सियाँ रखी होती हैं, वो विकर वर्क वाली, वो वाली कुर्सियाँ. और विकर सोफा नहीं हुई,
सोफा है, और वहाँ एक गंदा कुत्ता है जो कि बड़े आराम से बैठा है, यानी कि उसको भी उस गंदगी की आदत है। सम कॉमिक बुक्स प्रोवाइड द ओनली नोट ऑफ कलर, वहाँ कुछ किताबें हैं, कॉमिक बुक्स हैं जो कि वहाँ रंग भर दिया, यानी कि वो जो काला रंग है उसका ऑयल का, वो उसको अद्धा करता है, बदसूरत करता है, और वो जो कॉमिक बुक्स पे जो तस्वीरें हैं और जो उसके जो कलर स्कीम्स हैं वो उसे कुछ रंग भरती हैं। दे लाई अपॉन अ बिग डिम डॉली ड्रिपिंग अ टैबोरेट, ये सारा कुछ जो है वो ये जो कॉमिक बुक्स हैं वो पड़ी हुई हैं एक बड़ी मध्यम ड्रॉली पे, ड्रॉली वो जो अमूमन बर्तनों के नीचे एक या मेज के ऊपर वो प्लास्टिक की या कपड़े की या धागे की कोई बनी हुई एक मैट होता है जो नीचे रखा जाता है ताकि वो गरम गरम नीचे ना जाए और दूसरा उसमें खूबसूरती आए, तो वो ये वो ड्रॉली है। पार्ट ऑफ द सेट बिसाइड अ हेयर सूट बिजोनिक, और जहाँ बिगुनिया का क्या नाम है पौधा है, और बहुत ज़्यादा बॉडी हेयर वहाँ मौजूद है। इससे मुराद ये भी हो सकता है कि वो जो बिजोनिक जो पौधा है वो उस बॉडी हेयर की मानिंदा, या फिर वहाँ बॉडी हेयर पड़ा हुआ है, यानी कि किसी ने बाल काटे हैं, साफ किए हैं, वहीं फेंक दिए, और ये सारा कुछ है उसी मंजर पे, उसी पोर्च में है, या पोर्च के इर्द गिर्द है जहाँ वो फर्नीचर भी पड़ा हुआ है, और ये सारा कुछ है, यानी कि वहाँ वो टेबरेट, वो छोटा मेज भी है, और उस पर ये ट्रॉली पड़ी हुई है, कॉमिक्स पड़ी हुई है, और वहाँ ये पास ही ये बेजोनिया या बेगोनिया का पौधा है, ये सारा कुछ बयान किया गया है। और हाँ, बाय द एक्सट्रोनियस प्लांट, ये अजीब या लाताल्लुक या बेतुका पौधा यहाँ क्यों है, वाई द टेबरेट, ये जो छोटा मेज है ये यहाँ क्यों है, वाई ओ वाई द ट्रॉली, और ये ट्रॉली यहाँ क्यों है, ये सिर्फ एक सवाल, ये इनके लो एक बनाया जा रहा है, और शुरू में एक कॉन्टेक्स्ट बनाया जा रहा है कि सारी चीज़ें यहाँ क्यों है। एम्ब्रॉयडर्ड इन डेजी स्टिच विद मोगरिटीज आई थिंक एंड हेविली विद ग्रे क्रोच, ये सारा कुछ उसकी ट्रॉली के बारे में, ट्रॉली कैसी है कि उसमें जो है वो डेजी के फूल बनाए गए हैं उसको उसको बनाने में, स्टिच करने में, और क्या नाम है उसमें मर्करिटीज के फूल भी बनाए गए हैं, और साथ ही साथ में जो है वो क्या उसे कहते हैं वो ग्रे रंग का है वो जो हाथ से बना हुआ वो जो ग्रोली है। समबडी एम्ब्रॉयडर्ड द ग्रोली, किसी कोई है जिसने उस ग्रोली को बनाया है और उसको सजाया है। समबडी वाटर्स द प्लांट, कोई है जो उस पौधे को पानी देता है, और ऑयल इट मे बी, या फिर उसे तेल देता है शायद। समबडी अरेंजेस द रोज ऑफ कैन सो दैट द दे सॉफ्टली से, कोई है जो कि उन वो जो तेल के ही कैन है, उन वो जो जो इंजन ऑयल होता है वो, या गैसोलीन भी जो है वो कैन्स में मिलते हैं, वो जिस तरह वो छोटा कैन होता है वो 700 ml का, लीटर का, फिर 400 ml का, या गैलन का, तो वो सारे वो कैन का उठो ने कहा जाता है कैनिस्टर कैन, तो वो कोई है जिन्होंने उसे बहुत अच्छे से सजाया है रखा है, सो दैट दे सब्जी से, ताकि वो अच्छे से कह सकें। एसो सो सो, एसो जो है वो एक ऑयल कंपनी थी उस ज़माने में, शायद अभी भी हो, तो ये उसके बारे में है। टू हाई स्ट्रंग ऑटोमोबाइल्स, हाई तनाव वाली, ज़्यादा तनाव वाली गाड़ियों को, यानी कि वो उन्हें अट्रैक्ट करें, क्या जी समबडी लव्स अस ऑल, कोई है जो हम सबसे मोहब्बत करता है। अब दो किरदार उसने बताए हैं, एक है बाप और जो है वो दूसरा बेटे, तीसरा किरदार उसने जो खाया है, अब वही मेनली वो इनडायरेक्टली उस तरफ ध्यान दिलाया जा रहा है, वो है माँ का, यानी कि वो जो है वो सफाई कर रही है, और उसने जो ओनली एलिमेंट्स ऑफ ब्यूटी जो है वो उसने रखे हैं, वो ड्रोली उसने रखी है, वो सफाई उसने की है, और क्या नाम है वो पानी वो देती है, और वो अरेंज वो करती है वो जो कैंस को वगैरह वगैरह, यानी ये सारा कुछ की जी, वो जो औरतों का जो किरदार है वो बहुत अहम है, मतलब
अगेन ये वुमेन लॉजिक है, लॉजिक नहीं है। सबको पता है वुमेन लॉजिक क्या होती है, कि अगर हम इसको एनालाइज करें तो जो जो भी कोई काम करेगा एक फिलिंग स्टेशन पे, जो भी कोई तेल से गैस से खेलेगा या उसका इस्तेमाल करेगा, कपड़े उसी गंदे होंगे, उसी कपड़े फटेंगे। मतलब बड़े से बड़े मैकेनिक से मिलने, तो अल्टीमेटली कुछ ना कुछ तो गंदा होगा ही ना, अल्टीम भी सारा कुछ तो होगा ही। अब आप घर में बैठे रहे और कहेंगे देखो हम तो गंदे नहीं हुए, तो ये तो वुमन लॉजिक है। अब बाहर निकलेंगे फिर आपने रोना धोना शुरू कर देना होता है कि मतलब हमें वो नहीं मिल रहे जो मिलने चाहिए राइट्स, जो सुकून हमें नहीं मिल रहा। तो ऑफ कोर्स किसी को भी नहीं मिलता बाहर निकल के, तो फिलिंग स्टेशन पे कोई भी खड़ा हो जाए तो ऑफ कोर्स आने जाने वाले जो घूरेंगे और हो सकता है कि तरस भी खाएं और मजाक भी उड़ाएं, क्योंकि ऑफ कोर्स आप एक रिसीविंग एंड पे खड़े हैं, आप एक ब्लू कॉलर काम कर रहे हैं, लेबर जॉब कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स लोग आपको कंडरस्टैंड भी करेंगे एंड ऑल दैट, और मजाक भी उड़ाएंगे। तो ये सारा कुछ उसके अंदर वर्क हैजर्ड है। ये सब कुछ मर्द की वो जो है वो बेपरवाही नहीं दिखाता, ये उसका वर्क हैजर्ड है। जंग में जाएंगे तो इम्कान है ना कि मार सकते हैं या चोटें लगेंगी, ऐसी बात है। घर बैठे कहते रहें कि ठीक से जंग लड़ोगे तो मरोगे नहीं, ये क्या बात है। दैट इज जस्ट इट। फिलिंग स्टेशन बाय एलिजाबेथ बिशप।